हेलो। हेलो, हाँ बता जवाब। काय का जो आप कैसे जो पागल है क्या अरे ओ क्या जवाब हुआ? बता जवाब। कल तूने बोल मैंने तो ये कुछ बोली थी ना। मतलब अभी तो उस फालतू बकवास को भी इतने दिमाग में डाल के बैठा हुआ है। वो फालतू बकवास लग रही है तेरे। रियली बिल्कुल बिल्कुल, तू ना कम बोला कर जवाब दे मुझे। मैं फोन रख दूंगी मम्मी, प्लीज ऐसी फालतू बातें तो करो मत अच्छा मुझसे। हाँ, मुझे ऐसे दोबारा फोन तो करना आता ही नहीं है। मैं रिसीव ही नहीं करूंगी तेरा कॉल फिर। वो मैं सब रिसीव करवा लूंगा ठीक है ना। वरना कर तो तेरा कोई फोन के ज्यादा अंदर दूर घुस नहीं है। के हाँ मेरे फोन के अंदर घुस के रिसीव करेगा क्या? तो घर आ जाऊंगा तेरे घर। कौन सा तेरे अभी लाइट में हो अच्छा, रहा है। मैं घर तो हूँ ही नहीं, मैं घर पे हूँ ही नहीं तो क्या पड़ोस के घर में होगी। जहाँ पे भी पड़ोस के हूँ घर में फ्री का कुछ खाने गई होगी। बना होगा कुछ टेस्टी पर पहुंच गई होगी जहाँ पे खाने। भी हूँ हाँ बस घर पे नहीं हूँ बस। तो तू जहाँ पे पता लगा लूंगा। तू मेरे फालतू पंचायत मत कर। तू जवाब बता। तू भी मुझे फालतू की पंचायत में बताओ, और बता क्या कर रहा है। मैं किसी के जवाब का इंतजार। सो प्लीज जवाब दे दोगे आप। कौन सा जवाब, कैसा जवाब, मुझे तो कुछ याद ही नहीं। यार इतना क्या भाव खा रही है। अब जवाब दे देना यार। जो बात है बता दे। नहीं है तुम बता दे। तुझे कौन सा जवाब? तो नहीं पता कौन सा जवाब कह रहा हूं मैं। ना ना रियली में तो नहीं पता। नहीं, चल ठीक है फिर बाय। अच्छा मतलब कोई बात नहीं है, इट्स ओके। तो यार वो भी बात कर रही है। जवाब बताना यार क्या है। या फिर तो मैं कल से पूछे आ रहा हूँ। कुछ है तो ठीक है नहीं है तो इट्स ओके। कोई दिक्कत नहीं है। कोई इट्स फोर्स ओके ना, थोड़ी तो ना फिर है। कोई बात नहीं है। हाँ तो इट्स ओके तो पहले जवाब तो बता कि क्या इट्स कौन ओके सा बोल दिया। जवाब? अब देखो इतना ज्यादा हो रहा है। मैं कसम से मैं कोई फोन फोन नहीं करूंगा तुझे। है सीरियस में, सीरियसली? हाँ सीरियसली बोल रहा हूँ। ठीक है चलो, छुटकारा तो मिलेगा। वो तो मिल ही आएगा तुझे। बढ़िया ही छुटकारा। वो तो 7 जन्म में ही नहीं मिलेगा तुझे छुटकारा। अरे तू कॉल करना छोड़ देगा तो छुटकारा ही छुटकारा है। मैं चुटकी चुटकी रहे। कम बोला तू। तू भी कम बोला अब जवाब दोगी नहीं दोगी। ओ सॉरी देगी। रिस्पेक्ट मत किया हाँ कर, गलती से निकल गई ना रिस्पेक्ट। अब तो बता। गलती से भी रिस्पेक्ट नहीं निकलती हाँ ठीक मेरी है कुछ मेरी माँ। अब गलती जवाब दे दोगे आप। दे दोगे वो आप। मैं तो आप बोल ही रहा है तो मतलब मैं जवाब दूँ ऐसा? यस बट एक बार क्या एक बार। समझ तो सही यार, तेरी गर्लफ्रेंड है। तुझे पता है ना मेरी गर्लफ्रेंड का मेरे रिलेशन क्या है क्या नहीं है। चौबीस घंटे उससे लड़ाई होती रहती है। और वैसे ही आज जब वो दूसरों से मूवी देखने जा सकती है एग्जाम टाइम में। यहाँ वहां पे घूम सकती है। अपने दोस्तों को इतने इम्पोर्टेंट नहीं देती है। तो यार और मुझे भी लग रहा है उसने कोई ना कोई बॉयफ्रेंड बना लिया होगा। तो मैं भी उससे ब्रेकअप कर लूंगा बस। अभी तो ना उसका कॉल ना मैसेज आया तो इसका क्या मतलब समझू मैं। फिर भी यार तुम अभी, तुम्हारा परमानेंट ब्रेकअप तो हुआ नहीं है, वो तो तुम अभी रिलेशन नहीं। अरे तो यार वो इम्पोर्टेंट ही क्या दे रही है रिलेशन को। मुझे तो लग रहा है राहुल से ही सेट है वो। यार मुझे तो लग भी रहा है उसने दूसरा बॉयफ्रेंड बना लिया है। तो मैं लोग कह लिए उसके लिए रोता रहूँ यार। डेफिनेटली जब वो उसने इतना सामने से इम्पोर्टेंट। एक्सप्लेन तो किया नहीं ना, सामने से एक्सेप्ट तो किया नहीं एक्सप्लेन ना क्या करना फिर। उसकी हरकतें बता। अच्छा तुम बता दो ना एग्जाम हो रहा है उसके टाइम पे। एग्जाम के टाइम में एग्जाम से इम्पोर्टेंट क्या है। कुछ है एग्जाम से इम्पोर्टेंट फिलहाल। जो एज है उस एज में एग्जाम से इम्पोर्टेंट तो कुछ नहीं है। उस टाइम वो राहुल यार मूवी देखने आ रही है अपने दोस्तों के साथ। तो ऑब्वियसली बात है ना वो उसके बॉयफ्रेंड से भी ज्यादा उसके एग्जाम से भी ज्यादा उसके फैमिली से भी ज्यादा उसके लिए। तो उस बंदी के लिए मैं कह ली मतलब अपना फ्यूचर खराब करूं। और जब देखो अब ईमानदारी बता हमारी कितने दिन बात हुई। हमने मिले भी रेस्टोरेंट में ही मिले बातें भी हुई फोन पे। एक भी बार लड़ाई हुई हमारी। जो भी हो जैसा भी पहले हो बता है तो वो तेरी गर्लफ्रेंड ना। एक भी बार लड़ाई हुई नहीं तो फिर। और उसके साथ अगर मैं कुछ नहीं अगर 10 मिनट भी बात कर लूँ 10 मिनट में कोई ना कोई लड़ाई हो जाएगी। तो क्या ही फायदा ऐसे रिलेशन का। राहुल के साथ उसकी लड़ाई नहीं होती। राहुल के साथ चुपकी रहेगी। राहुल राहुल राहुल। तो ऑब्वियसली यार मुझे भी नहीं रहना इस रिलेशन में। मैं बस इतना पूछना चाह रहा हूँ तेरे से कि तू अपना बता दे तेरे दिल में कुछ है कि बस सिर्फ मेरे को ही लग रहा है कि तू मुझे लाइक करती है। बस मैं इतना पूछना चाह रहा हूँ। तेरे दिल में कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं यार। मैं फोर्स थोड़ी ना करूंगा तुझे। तो यार जो भी है जैसा भी है वो यार तेरी गर्लफ्रेंड है यार। अभी अगर 1 मिनट के लिए तू भूल जाएगी मेरी गर्लफ्रेंड है। अब जवाब मांग रहा हूँ। अब जवाब मिल जाएगा। ऐसे कैसे बोल जाऊंगी तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है? यार ऐसी गर्लफ्रेंड का क्या मतलब ये बता दे। क्या मतलब है ऐसी गर्लफ्रेंड का यार। जो मतलब मेरे लिए उसके पास 5 मिनट नहीं है। घूमने के लिए उसके पास तीन तीन चार चार घंटे हैं। मतलब वो भी तो इम्पोर्टेंस दे। वो जब मुझे अपना बॉयफ्रेंड ही नहीं मान रही मतलब उसकी लाइफ
मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है मेरी उसकी लाइफ में, तो मतलब क्या मतलब मैं उसको अपनी गर्लफ्रेंड मानूं या वो मुझे अपने बॉयफ्रेंड माने। बट यार तुम दोनों ऑफिशियली ब्रेकअप तो करो, ना तुम्हारा ब्रेकअप है ना पैचअप है, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या है क्या नहीं है, मैं ऐसे कैसे जवाब दे दूँ। या तो तू बात तो समझ, मुझे भी नहीं रहना उसके साथ, मैं ब्रेकअप भी कर लूंगा मुझे। देख, तेरी साइड से पता है कि तुझे नहीं रहना, तू अगर उसका कॉल आया या फिर तू कॉल करे तो तू उससे क्लियर कर सकता है कि तुझे उसके साथ नहीं रहना, वो भी कर सकती है, पर ना तू उसे कॉल करा ना वो तुझे कॉल करे, जब तक क्लियर ही नहीं होगा तो वो ऑफिशियली तुम्हारा पैसे पी है, ब्रेकअप कहाँ से है। यार तेरी बात समझ में नहीं आ रही मुझे, जब मैं कह रहा हूँ मैं ब्रेकअप कर लूंगा तो फिर एक मिनट, ब्रेकअप ब्रेकअप की छोड़, एक मिनट सारी बातें अभी छोड़, अभी क्लियर, एक मिनट सारी बातें क्लियर करते हैं रुक। अभी तू मेरी बोल रही है मेरी गर्लफ्रेंड है ठीक है ना, उसके अभी छोड़ ठीक है, मेरी गर्लफ्रेंड भी, उसका फॉर्म तो अभी तो आया नहीं है ना, मैसेज आया है, और तू भी जानती है, मैं तो एक एक बात बता, तू भी जानती है वो कितनी इंपॉर्टेंट देती है मुझे, राइट, कितनी लड़ाइयाँ होती है हम दोनों के बीच, राइट, मतलब मुझसे ज्यादा अपने दोस्तों में मतलब चली जाती है, बस दोस्त दो जैसी जिंदगी उसकी वो है ठीक है। तो सिंपल सा मुझे एक चीज बता, सिंपल सी, अभी छोड़ देगी मेरी गर्लफ्रेंड है ही नहीं, ये समझ ले मेरी गर्लफ्रेंड बिल्कुल है ही नहीं मेरी लाइफ में ठीक है, और है ही नहीं, एक्सिस्ट ही नहीं करती। तो अब अगर जैसे मैं तुझे साथ अगर रिलेशन में आना चाहूँ या तुझे लाइक करता हूँ, तब तेरा रिप्ले क्या होगा, मतलब तू मुझे लाइक करती ही नहीं वो मेरे को बता दे बस, अभी भूल जा कि मेरी गर्लफ्रेंड है कि नहीं है। ऑब्वियसली आई लाइक यू यार, मतलब दोस्ती वाला लाइक ही है या पागल ही है क्या? अरे बोल ना, क्या बोलूं अब, बताया तो सही मतलब दोस्ती वाला ही वो कुच्चू मुच्चू प्यार वाला, तो कुछ मुझो। पागल सी डैन चुड़ैल बोली क्यों नहीं पहले। हाँ सुनेगा मुंह से बजाय तू तो सुना, समझना कि तेरे तेरी गर्लफ्रेंड है यार, ये भी तो समझ, हाँ तू मुझे लाइक कब से करती है, वो सब छोड़, पर तेरी गर्लफ्रेंड है इसलिए मैंने तुझे वो अभी बताया, छोड़ मतलब मेरी गर्लफ्रेंड तो अभी चल, मेरी मेरी गर्लफ्रेंड से पहले मतलब तू मुझे लाइक नहीं करती थी, बहुत करने तो फिर बोला क्यों नहीं। से, जब तक मैं तुझे बोलने वाली तब तक तूने बता दिया कि तेरी गर्लफ्रेंड है। अच्छा इतने टाइम बाद बताया मैंने तुझे, बोलने में तो 1 मिनट लगता है, जो भी हो जो भी क्या हो कर दी ना अपनी गंवार बनती, मेरे को तूने फालतू के करी, रिलेशन में फंसा दिया, खुद फालतू के रिलेशन में फंस गई। मेरा कोई हाँ वो पॉजिटिव वाला रिलेशन नहीं था, वो मेरा सिर्फ अट्रैक्शन था, वो हमारे तो बीच में तो कुछ था ही नहीं, बिकॉज होगा अट्रैक्शन भी क्या कहाँ है। से, होगा भी कहाँ से, प्यार मुझसे करती है चली गई लंगूर के पास। तू चला गया बंदरिया के पास, हाँ जो भी हो, तो मेरे को मेरे दिल में तो उस टाइम तेरे लिए कुछ था नहीं ना, जो मैं भी भी हो, मतलब मतलब मेरे को तुझे कभी दिख लगा ही नहीं नहीं रहा ना। था, समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब है क्या। अब इतना अगर मैं होशियार होता तो अपनी गर्लफ्रेंड पटाता क्या मैं, जो अपने दोस्तों में ज्यादा मतलब मुझसे ज्यादा अपने दोस्तों इम्पोर्टेंट देती है, मतलब यू रियली लव मी, मतलब कुछ मुच्चू वाला। अच्छा नहीं, बोया नहीं कुछ मतलब मुझू, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में वो आता है वो वाला लव। लो जी अब मारा नहीं, अब शर्मा रही है, रेस्टोरेंट में शर्मा रही थी, कोल्ड ड्रिंक पिलाते समय अपने कपड़ों को, अब शर्मा रही है हाँ ना ठीक है क्या, ठीक है सही से बता, शर्म वो रियली तू शर्मा रही है रियली, ना नहीं 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 तू शर्मा रही है सच ठीक है ना, में, तू शर्मा रही है। अब मेरी ऐसी बना दे पहले तू, अच्छा नहीं बना रहा, नहीं बना रहा, अच्छा, नहीं बना रहा, मतलब मेरे को जवाब देना रियली कुछ मुच्छू वाला लव यू, रियली कुछ मुझे वाला लग रहा तो पागल थी बोला क्यों नहीं, बोल देती तो कम से कम मैं फालतू रिलेशन में नहीं आता जिसमें मेरे आधे प्राण निकल गए 24 घंटे है। जब तक लड़ाई मैं ये वो, बोलने आई तब तक तो तूने मुझे अपनी ही न्यूज़ बता दी कुछ तो तू उस टाइम बोल देती मैं उस टाइम उससे ब्रेकअप कर लेता, नहीं, नहीं फालतू में तू फंसा उसके दे टाइम मुझे खुश था तो मैं, तू घंटा, जिसमें इसको उस उसको टाइम खुश, उसमें, इसको तू रियली इसको खुशी बोलती है, तू उस तभी इसको टाइम खुद पे, खुशी बोलती तू है, उस टाइम पे उसके टाइम खुश था तो उस टाइम वो मेरे को इम्पोर्टेंट देती थी ना, उस टाइम बात भी करती थी, तो बस, उस टाइम अभी इम्पोर्टेंट भी इम्पोर्टेंट देना देती थी। बंद करिए ना हाँ अभी इम्पोर्टेंट देना बंद करिए बस, तो तो, फिर उस टाइम पे तो खुश था और तुझे दिख के मैं खुश थी, जज्बार अच्छा रियली यू लव मी कुछ मुच्छू वाला। बताऊं क्या? नहीं मेरे को अच्छा लग रहा है ना, अच्छा एक बार आई लव यू तो बोल दे फिर, कभी हमने बोला नहीं ना एक दूसरे को।
खाना ये रोज खाएगा तू? बोल देना कि ऐसा क्या भाव खा रही है, अब आप तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए ना ऑफिशियली, मतलब ऑफिशियली नहीं तो ऑफिशियली बन जाएंगे, अब क्या है देखे जब ऑफिशियली बनेंगे ना तब बोलेंगे बदतमीजी है। बेबत्तमीजी एक मिनट, तेरे माइंड को पता है ना मैं तेरा बॉयफ्रेंड हूँ, मेरे माइंड को ही पता है, बस किसी और को पता नहीं की जरूरत, है। बट बन गए मेरे हर्ष को ऑफिशियली। ये भी पता है कि है ना तेरी गर्लफ्रेंड है, जिससे तेरा भी पहचानती है, ब्रेकअप नहीं है। क्या है यार, वही बात कर रहे, मूड खराब कर रही है, नहीं है कोई मेरी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ठीक है ना। अभी तो पैचअप है ना तुम्हारा। जब कोई जब पैचअप होता है इसको पैचअप के, एक मिनट यार, एक मिनट रुकियो, कॉल आ रहा है किसी का, उसी का कॉल आ रहा है। ऐसा है। हेलो, बजने बजने दे, मैं नहीं उठा रहा। तू उसी से बात कर, रख दे फोन अब तक। तो मैंने फोन उठाया उसका, हाँ रख दे फोन अब तो तक, तो मैंने मुझे फोन बात नहीं नहीं उठाया ना, करनी। नहीं भाड़ मुझे में बात दे नहीं करनी। यार, एक मिनट बात सुनने की पहले, मैंने फोन नहीं उठाया ना उसका, बजने दे फोन, और फोन उठाऊंगा भी तो डायरेक्ट मैं कह दूंगा कि भाई मेरे को ब्रेकअप चाहिए। तो यार फालतू तुक्का। तू उसकी तरह मत बने, अब देख यार वही बात आ रही है ना, तू भी उसकी तरह बन रही है अभी। मतलब अभी तू मुझसे बात कर रहा, तो तू उससे बात कर रहा है तो मैंने उठाया उसका कॉल, मैं सिर्फ बताई तो है ना, उठाया तो नहीं ना, फिर? ठीक और है। तुझे तो पता है मैं उसको कुछ कह नहीं सकता हूँ, तेरे में तो धर भी दूंगा जाते बोलेगी तो। नेक्स्ट क्यों भी नहीं? वैसी है तू, छोटी सी हाँ क्यों नहीं? तो तो लाइन में बनवाते हैं छोटे छोटे गट्टे गट्टे आदमी, तो प्यारी लग रही है, कभी शट अप। मुझसे रिलेशन में आएगी? अब शुक्र मान तेरे को मेरे ऐसा बॉयफ्रेंड मिला है। चाया से तू शुक्र मान के तुझे मेरी जैसी गर्लफ्रेंड मिली है, जो जा केयरिंग। बी केयरिंग, केयरिंग कहाँ से, जब ने कपड़ों कोल्ड ड्रिंक पिलाती है वो केयरिंग होते हैं उसको, शट अप। गलती से गिराई थी वो, उस बात को मत लेके बैठ। गलती से ही होता है सब, गलती से मैं ठीक है, फालतू की लड़की के साथ रिलेशन में आ गया, गलती से मैंने हो कही गया ऐसा सब। थी तो तूने एग्जैक्टली यही पॉइंट है, तूने कही तो नहीं थी, तूने कुछ कहा ही तो नहीं था, गलती तो तेरी है ना, तूने कुछ कहा ही नहीं, गलती सब तो मेरी है। तूने कुछ कह दिया होता तो बात ही कवर हो जाती, तूने कुछ कहा ही कहा, तू तो हाँ तो चुप सब रही, गलती मेरी तो होती है। वो तो है ही इसमें, तो तूने कुछ कहा क्यों ही नहीं? कहा, कह तो देती मुझे कम से कम, एक बार कह देती उमंग आई लाइक यू, ए फाड़ में क्यों फेंक देता मैं उस लड़की को तो निकाल के अपनी लाइफ से। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ठीक है ठीक है, उस टाइम बोली नहीं, और सुन बता। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अब जैसे यार उसका भी तो कॉल आ रहा था, अभी तो उठाया नहीं, अब जैसे जब मैं कर लूंगा शाम को फोन, या तो उसका फोन आएगा ना तो मैं उससे डायरेक्टली मतलब बोल दूंगा कि जो भी है ब्रेकअप वगैरह चाहिए, ठीक है ना, सही है नहीं है? सही है, अबे तो खुश तो हो जा, ऐसा लग रहा है सही है तुझे, ना? ऐसा लग रहा है कि नहीं, गला घोट के तो रिलेशन में घुसे रहा हो, हाँ तो उसकी बात मत किया कर, मुझे बहुत गुस्सा आती है उसकी बातें सुनते थे, दो तीन बार जीने में जेलसी रियली, सुनती थी मैं। तूने कभी बताया नहीं मुझे ये चीज, बता रही हूँ ना, आप सुन ले। ओए मतलब तू जेलसी होती थी, मैं उसका नाम लेता था तो फिर भी कहती तू सॉरी बोल के रिलेशन में आ जा, तू सॉरी बोल के रिलेशन में आ जा। मुझे लगता था कि तू उसके संग खुश है इसलिए बोला सिर्फ। बाबा जी का घंटा उसके संग खुश है, मतलब था खुश, ऐसी बात नहीं है कि उसने मुझे दुखी रखा है, था अरे मतलब एक मिनट पे स्टार्टिंग में था ना, स्टार्टिंग में तो पता है स्टार्टिंग की, तो स्टार्टिंग में था जब वो टाइम वैम देती थी तब मैं था, अब नहीं हूँ, अब क्या है यार घुसी रहती है हमने दोस्तों में, एग्जाम में, ये वो फालतू की लाइफों में, तो मैं नहीं हूँ ना उसके साथ खुश, मैं तेरे साथ खुश हूँ ना। मैं एग्जाम में मैं भी बिजी हो जाऊंगी, फिर तू किसी और को देख लियो फिर। तो तू किस एग्जाम में बिजी रहेगी तो अपने दोस्तों में घूमने तो नहीं जाएगी, इतना मुझे यकीन है, क्या नहीं बोल तो चली फिर आऊंगी, किसी और को देख नहीं नहीं लियो। बोल चली आऊंगी मैं किसी फ्रेंड से बात करती हूँ अपने। तो फिर हाँ, नहीं तो बल्कि तेरे पे तो दो दो बेनिफिट है ना, तो बॉयफ्रेंड से बात करने की जरूरत नहीं है, तो मैं तेरा फ्रेंड भी हूँ, बेस्टी वाला, देखा दो दो मेन पॉइंट, मानती है इस बात को मानते यार, मैं नहीं अगर तो पहले प्रपोज कर दिया होता तो आज सिचुएशन कुछ और ही होती, पर मेरी गलती नहीं है ना, मेरे दिल में कोई फीलिंग थी नहीं तेरे लिए, मतलब तू तो कभी भी गलती होती ही नहीं तू है। दिखने में भी तो इतनी अच्छी नहीं थी ना, तो फीलिंग कहाँ से आएंगी, What do you mean? मीन की आई लव यू, मेरा मीन था आई लव यू, अब तू इस बात को भी लेके लड़ने मत बैठेगी मुझसे। ठीक है, मैं तो यूज़ बंदा रही है करना, नक्चड़ी कहीं हाँ ठीक है ना, नच्चड़ी है तो लेकिन दिखने में तो अच्छी लगती है ना वो, है। मतलब मतलब कह रहा हूँ कि दिखने में तू अच्छी लगती है यार, अभी भी उसकी तारीफ हो रही है, अभी मैंने कब की उसकी तारीफ, बोला तूने। तो भाई दिखने में अच्छी लगती है तो इसमें तारीफ क्या, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। फैक्ट, एक घूसे में फैक्ट पता चल जाएगा अभी। हाँ ठीक है, दिखने में बस अच्छी लगती है वो, और उसके बड़े बड़े चेहरे पे दाने हैं,
और उसकी हाइट भी छोटी है, और क्या, उसके चूहे से दो दांत बाहर हैं बस। थोड़ा हाँ ठीक है ना, डायन है ना, तू तो खूबसूरत है ना, कभी हाँ बस बात करूँ। ठीक है चल, कोई बुला रहा, मैं जा रही हूँ। कौन बुला रहा है, कोई बुला रहा है? कोई कौन बुला रहा है तुझे, कोई बुला रहा है? कौन बुला रहा है, तो मुझे तो पता मम्मी चले। बुला रही है। अच्छा मम्मी बुला रही है, तो ये बोलना मम्मी बुला रही है, डरा क्यों रही है, कहाँ ठीक है, ठीक ठीक है ना, जा रही हूँ मैं है, मैजिकल वर्ड बोल के जा। ऑफिशियली, ब्रेकअप कर लो पहले। मैं थ्री मैजिकल वर्ड बोल के कि ऑफिशियली ब्रेकअप कर लो पहले। हाय, आगे जी। लव यू, थैंक यू, अरे थैंक यू, मतलब आई लव यू टू, आई लव यू टू। अच्छा नमाज होती है। थैंक यू। ठीक ठीक है ना, आई लव यू टू बोल दिया ना बेटर, है, चल निकल जा। ठीक और है, सुन ना, बता हाँ जल्दी मैं उससे ब्रेकअप करके पार्टी करेंगे फिर, ठीक है दोनों अपने। कैसे, तू देगा? मैं नहीं दूंगी, मेरा पर्स नहीं लेके आऊंगी इस बार मैं। पर्स हाँ ठीक है, कंजूस, पार्टी में दे दूंगा, बस मरी जा रही है नहीं पैसे के लेके लिए। आऊंगी नहीं बस मैं। तो मत लेके आइए, बस मोबाइल में पेटीएम तो है मेरे हाँ मेरे। वो तभी तो मिल, बाद में भी तो मम्मी बुला रही है। हाँ ठीक है, चल बाय। बाय बाय।